नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अयोध्या में दोपहर 12:16 पर हुआ रामलला का सूर्य तिलक। रामलला के मस्तक पर लगा 75 मिलीमीटर का गोलाकार सूर्य तिलक। निरंतर 4 मिनट तक रामलला के मुखमंडल को किया प्रकाशमान। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सुबह 3:20 से भगवान राम के दर्शन के लिए लगी कतारें। 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद। राम जन्मभूमि मंदिर में हुआ रामलला का दिव्य अभिषेक। रामनवमी को लेकर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने। पीएम मोदी ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर इन समारोहों को रोकने का साजिश करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का आरोप, भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में दंगे भड़काने की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आलोचना और मतपत्रों को वापस लाने का आह्वान करने के कदम पर नाखुशी जताई है। कहा, भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम, तंत्र को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा कर्मियों को दी बधाई। कहा, मोदी सरकार देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित। दिल्ली जल संकट पर एलजीपी के सक्सेना का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र। आतिशी पर लगाए गंभीर आरोप। आतिशी ने इस पत्र को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। यूपीएससी में नौशीन की 9वीं रैंक। इस परीक्षा में सफल हुए 1016 उम्मीदवार में से 47 मुस्लिम अभ्यर्थी भी चयनित। नौशीन के गृहनगर गोरखपुर में जश्न का माहौल। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों की पहचान अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, बिपिन सिंह और इरशाद के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक स्थानीय अदालत में कहा, अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी उनके हत्या के प्रयास के तहत की गई। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने कोलकाता को 2 विकेट से हराकर तोड़ा अपनी ही पारी का रिकॉर्ड। सुनील नारायण पर भारी, जोश बटलर की पारी बना डाले 224 रन। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।